हेलो एवरीवन, अगर आपने रोस्टोक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है या फिर लेने का सोच रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे स्टूडेंट पीजी अवेलेबल है, तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ के रूम्स कैसे हैं, बाथरूम, किचन और मेन थिंग यहाँ पे रेंट कितना है पर मंथ, और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो यहाँ पे मेन तीन स्टूडेंट रूम रहे हैं, मैक्स प्लैंक स्ट्रासे, एरिक लेसिंगर और अल्बर्ट आइंस्टाइन, तीनों नजदीक ही है। ये जो है मैक्स प्लैंक स्ट्रासे है, ये 5 है और यहाँ से ऐसे आगे जाएंगे 4, 3, 2, 1 ऐसे है आगे। स्टूडेंट वोनहाइम, मैक्स प्लैंक स्ट्रासे 4, ओके। और यहाँ पे ये सारे रूम्स के मतलब बेल्स दिए गए और रूम में मतलब ये बिल्डिंग में एंटर करते ही यहाँ पे ये है मेल बॉक्स, यहाँ पे सबके मेल्स आते हैं। हर जगह पे आपको हीटर देखने को मिल जाएंगे, हर जगह पे हीटर्स है। ये यहाँ का बाथरूम है, यहाँ पे आप शावर कर सकते हो। और ये है किचन, ये है इंडक्शन और ये ओवन भी अवेलेबल है यहाँ पे। ये फ्रिज है, और ऐसे तीन लोग यहाँ पे रह रहे हो, 1, 2, 3 और तीन लोगों का एक एक कंपार्टमेंट दिया गया है। ये मेरा कंपार्टमेंट है और ये है रूम। ये है हमारा रूम फाइनली। एक बेड देते हैं यहाँ पे, एक ऐसे वार्डरोब जैसा देते हैं यहाँ पे, उसके बाजू में ऐसा, उसके बाजू में एक पूरा सेल देते हैं, कबाट आप उसको बोल सकते हो, एक ड्रॉवर जैसा देते हैं और एक टेबल और एक चेयर। हीटर है ये हीटर, हर एक रूम में हीटर होता है यहाँ पे। और ये अच्छी सी विंडो, आपको यहाँ पे सारे फंक्शन सेट कर देने हैं, मतलब सारे कपड़े डाल देने के, और यहाँ से पाउडर डाल देने का है। और यहाँ पे आपको मशीन, यहाँ आपको मशीन सिलेक्ट करके 2 यूरो यहाँ पे डाल देने के, और आपके पास सारे कपड़े यहाँ पे 2 घंटे में यहाँ पे डूल जाएंगे। तो बात कर लेते हैं अभी रेंट की। यहाँ पे जो रूम अवेलेबल होगा वो आपको मिल जाएगा, 250 वाला भी हो सकता है सबसे छोटा, या फिर 290 वाला भी हो सकता है वो सबसे बड़ा है। तो वो तो अभी जो अवेलेबल होगा वो आपको मिलेगा, तो एवरेज आप 250 से 290 तक कर सकते हो। मेरे रूम का कॉस्ट है 260 पर मंथ। और स्टूडेंट फोन के लिए रजिस्टर कहाँ से करना है, तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप वहां से अपने आप के लिए रजिस्टर कर सकते हो। एक चीज है जो मैं आपको बोलने भूल गया था कि यहाँ पे हर एक नल में लेफ्ट साइड गर्म पानी आता है और राइट साइड ठंडा पानी आता है, तो गर्म और ठंडे पानी की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।